गाइज वेलकम ऑन मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आपके अपने चैनल मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। हमने पहले पार्ट वन कर लिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना और ये सेकंड पार्ट है। एक से लेके 25 तक क्वेश्चन उस वीडियो में कवर हो गए और इसमें 26 से लेके 50 तक। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी वर नेगोशिएटिंग द सेल ऑफ एज हाउस बी ओवर टेलीफोन। टेलीफोन पे जो है नेगोशिएशन चल रही थी, ए जो है ना बी को अपना मकान बेचना चाहता, तो उनके बीच में एग्री हो गया प्राइस वगैरह। लेकिन ए ने जो है बी को कहा कि भी आप अपना जो है ना लेटर से कंफर्मेशन भेज। उसने लेटर से कंफर्मेशन भेजी नहीं, उसने टेलीफोन पे बता दिया भी वो जो है उसका मकान ए का मकान खरीदना चाहती है। इज ए बाउंड बाई बीज एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जो मीन मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय द ए उसके उसमें भेजना था, दैट इज बाय सेंडिंग ए लेटर, इसलिए ए बाउंड नहीं है, इसकी राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 27। ए विशेस टू सब्सक्राइब टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडेड बाय एक्स वाई जेड इंश्योरेंस कंपनी। ए जो है ना एक्स वाई जेड कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है और उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन थी और ये लिखा हुआ था भी सभी बॉक्सेस जो है ना मार्क करने हैं। जो ए है उसने 3 साल पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था अपनी बीमारी के बारे में और ए के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे जो ना हृदय रोग हार्ट की प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर, बट डिड नॉट मार्क द बॉक्स। उसने इस जानकारी को उसने मार्क नहीं किया। ए फेल्ट दैट दिस वुड बी वायलेशन ऑफ हर प्राइवेसी। उसने ये सोचा कि ये मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। क्या ए ने कोई फ्रॉड कमिट किया है? इसकी राइट ऑप्शन है डी। ए हैज कमिटेड फ्रॉड सिंस एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है गुड फेथ का होता है। अगर पॉलिसी वगैरह लेते हो तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके ही तो पॉलिसी बनती है, तो ये मेटेरियल फैक्ट था। उसने जो है ना इसको डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए ये फ्रॉड के एक्ट में। अगला क्वेश्चन है 28। ए बाइज सम गुड्स फ्रॉम बी। ए जो है ना बी से कुछ पुस्तकें खरीदता है, कुछ वस्तु खरीदता है। हु इज लोकेटेड इन अनदर सिटी, जो कि दूसरे शहर में है। व्हेन बी आस्क फॉर पेमेंट फॉर गुड्स टू बी सेंट, जब बी जो है उसे पेमेंट है, बी आस्क द पेमेंट, बी पेमेंट मांगता है उसे टू सेंड टू हर बाई वे ऑफ ए डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट भेज दो। ए मना कर देता, ए रिफ्यूजेज एंड इंस्टेड आस्क बी टू कम टू अवर ऑफिस। बी को कहता मेरे ऑफिस में आके पेमेंट ले जाओ एंड कलेक्ट द पेमेंट इन कैश, कैश में ले जाओ। इज बी बाउंड, क्या बी जो है उसके ए के ऑफिस में जाने के लिए बाउंड है दूसरे शहर में पेमेंट लेने के? और मस्ट ए सेंड द पेमेंट टू बी एज रिक्वेस्ट, या ए को जो है ना डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा बी को पेमेंट भेजनी चाहिए, ये इसके बारे में। तो इसकी राइट ऑप्शन है डी। जो डॉक्ट्राइन ऑफ ए कैवियट एम्प्टर जो है ये प्रोवाइड करती है कि बायर जो है ना वो अपनी वस्तु को केयरफुली कंसीडर करेगा बिफोर परचेजिंग दैट, और ए अगर डिमांड ड्राफ्ट से भेजेगा पेमेंट बी को तो उसके पास सफिशियंट टाइम नहीं होगा, इसलिए उसने कहा भी मेरे ऑफिस से आके आप पेमेंट ले जाओ, सो दैट ए हैज टाइम टू एग्जामिन द गुड्स एंड वेरीफाई दैट दे आर फाइन। इसलिए जो है ना बी को आना पड़ेगा ए के पास पेमेंट लेने के। अगला क्वेश्चन है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स व्हेन यूज्ड इन इंडियन पेनल कोड 1860 इज नॉट रिलेटेड टू द कांसेप्ट ऑफ मेंसरिया। मेंसरिया कौन सा नहीं है? वॉलंटरी। वॉलंटरी तो होता ही नहीं, मेंसरी तो ये देखते हैं भाई अब ऑफेंस करते हुए इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंस्पिरेसीज अंडर द आईपीसी इज मोस्ट एक्यूरेट। इन मैसेज है ना कौन सी, आपने इसमें एग्जाम में ये जरूर ध्यान रखना, कई जगह पूछता है मोस्ट एक्यूरेट और कई जगह पूछता है लीएस्ट एक्यूरेट, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। लीएस्ट एक्यूरेट की जगह जो है ना मोस्ट एक्यूरेट का जवाब दिए जाते हैं और मोस्ट एक्यूरेट की जगह लीएस्ट एक्यूरेट का जवाब दिया, तो इसकी राइट ऑप्शन है ई। The offense being conspired must also be committed. आपने कोई conspiracy की, कोई plan बनाया कोई offense करने का, तो वो execute भी होना चाहिए, तभी offense माना जाएगा। Question 31. Which of the following statement is least accurate about 304A of the IPC, which deals with cases where death is caused by arrest or negligence? जो लापरवाही और जल्दबाजी के कारण कोई act होता है, तो उसके ऊपर ये question है। इसकी right option है B. B. Meditation is a crucial element requiring to be satisfied. Establish culpability under section 304A of the
आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट का केस है जो सेक्शन है 378 में, आईपीसी इज मोस्ट एक्यूरेट या फिर मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट ये बताना है। तो इसकी राइट ऑप्शन है ए, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसकी मूवमेंट होनी चाहिए विदाउट ए कंसेंट ऑफ द ओनर, वुड कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट की राइट ऑप्शन ए है। मतलब कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसका मूवमेंट होना चाहिए पोजीशन में से ओनर की और उसके कंसेंट के बगैर, तो थेफ्ट कहलाए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली अप्लाइज द प्रिंसिपल गिवन बिलो, ए इज प्रज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये प्रिंसिपल है, कह रहे इस प्रिंसिपल के तहत बताओ कौन सी ऑप्शन है। ए, द ऑनर्स ऑफ प्रूविंग दैट एन एक्ट लाइज विद इन एन एक्सेप्शन टू एन ऑफेंस इज ऑन द एक्यूज्ड, ठीक है, जब तक अपराध प्रूव नहीं होता इतने राइट ऑप्शन। चौतीसवां, पुलिस ऑफिसर इज डायरेक्टेड टू हर सुपीरियर, सीनियर जो ऑफिसर है ए का वो बी को अरेस्ट करने के लिए कहता है और ए जो है ना आइडेंटिकल ट्विन, बिल्कुल जो उसका जुड़वा होगा मिलती जुलती शक्ल थी, गलती से वो सी को पकड़ लेती है, दैट सी इज एक्चुअली बी, ये समझ के कि वो बी है, लेटर सी विशेस टू प्रोसिक्यूट ए, तो सी बाद में ए पर मुकदमा ठोकता है, मतलब उस मुकदमा करने के सोच रहा है, हैज ए कमिटेड एन ऑफेंस, क्या ए ने कोई अपराध किया है, इसकी राइट ऑप्शन है डी, ए हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस सिंस सी हैड मेड ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। अगला क्वेश्चन है 35, ये एक ए है कोई वो डोर टू डोर सामान बेचने वाला सेल्समैन, वन डे ए एक दिन जो है ना ए अपने काम के दौरान किसी मकान पे गया डेली सेल राउंड एंड फाउंड दैट बी जो है कोई 6 साल की अच्छी है वाज अलोन एट होम, वो घर पे अकेली है, ए ऑफर्ड बी ए चॉकलेट, ए ने बी को एक चॉकलेट दी और टोल्ड दैट, उसने कहा कि मैं तेरे को अम्यूजमेंट पार्क में लेके जा रहा हूँ फॉर द डे, बी बिलीव्ड, ई बच्ची थी उसने विश्वास कर लिया एंड ए टू बी आउट ऑफ द हाउस, लेटर ए इज प्रोसेस्ड फॉर किडनैपिंग, इज ए गिल्टी, हालांकि उसने उसके साथ कोई अपराध नहीं किया लेकिन इसकी राइट ऑप्शन है बी, किडनैपिंग होती है किसी भी बंदे को उसके घर से उसके कंसेंट के बगैर, तो उसका लॉफुल गार्डियन है उसके कंसेंट के बगैर लेके जाता है, किडनैपिंग का ऑफेंस, इसलिए राइट ऑप्शन बी है, लड़की को लेके गया उनके गार्डियन की। अगला क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1977, तो इसकी राइट ऑप्शन है बी, ये जो है ना सीआरपीसी एक्चुअली मार्क्स और क्रिमिनल ऑफेंसेस एज बिलेबल एंड नॉन बिलेबल। अगला क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इज मोस्ट एक्यूरेट, फिर मोस्ट एक्यूरेट पूछ रहा था, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सही, ए सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय ए सेशन कोर्ट इज सब्जेक्ट कस्टडी जो है ना ये अरेस्ट नहीं माना जाता, कस्टडी तो उसके जो है ना उसके ऊपर निगाह रखी जाती है, पुलिस की कस्टडी में है ये, कहीं वो इधर उधर ना हो जाए और जब बुलाए थाने में, इसलिए ए इज ए राइट। अगला क्वेश्चन है 39, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज मोस्ट एक्यूरेट, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा मोस्ट एक्यूरेट, एफआईआर इज द अर्लीस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ए कॉग्निजेंस ऑफेंस दैट रीचेज अ पुलिस स्टेशन, वो जो है ना अर्लीस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कोई ज्यादा डिटेल भी देने की जरूरत नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गाइस मेहनत करके हमने सैंपल पेपर तैयार किया है, आप हमने पूरी कोशिश की है आंसर जो है ना 100% करेक्ट हो, फिर भी आप कहीं आपके पास कोई नोटबुक वगैरह उनसे वेरीफाई, और चैनल को लाइक शेयर। अगला क्वेश्चन है 40, ए इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज फॉर एन ऑफेंस दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट बेलेबल है, पुलिस ऑफिसर डिड नॉट हैव ए वारंट टू अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर के पास वारंट भी नहीं था क्योंकि अंडर सेक्शन 42 जो है ना पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, इज पावर अरेस्ट इन द चार्ज इन्वॉल्वड कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये अप्लाई फॉर बेल, ए ने बेल के लिए अप्लाई किया बट इज डिनाइड बेल बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया, कैन ए बी denied bail in such a case, इसका राइट ऑप्शन है डी, ए कैन नॉट बी डिनाइड बेल इन दिस केस सिंस द पुलिस ऑफिसर हैड अरेस्टेड हर विदाउट ए वारंट, और दूसरा ऑफेंस जो है अवेलेबल। अगला क्वेश्चन 41, ए इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन रिलेशन टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया सम मंथ, ए हैड इवेडिड अरेस्ट फॉर सम मंथ, कुछ महीनों से जो है ना ये बच रहा था एंड आल्सो इवेडिड सम मंथ वगैरह भी नहीं ले रहा, इस वाले नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट भी नहीं ले रहा था, ए नाउ अप्लाइज फॉर बेल, ए बेल के लिए अप्लाई कर रहा है एंड द कोर्ट कंसीडर दीज फैक्ट्स व्हाइल डिसाइडिंग ऑन वेदर और नॉट टू ग्रांट ए बेल, बिल्कुल ये रिलेवेंट फैक्ट है, द कोर्ट कैन कंसीडर दीज फैक्ट्स फॉर ऑल द रीजंस सेट आउट इन ए टू डी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 42, द प्रोसिक्यूशन विशेस टू हैव समवन इश्यू टू कंपेल एज प्रेजेंस, इसी ट्रायल में ए की हाजिरी लगवाने के लिए प्रोसिक्यूशन जो है ना समवन जारी करवाना चाह रहा है, ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है एंड रेगुलरली ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री और रेगुलरली जो है
पीछे भारत जाता रहता है। एट द टाइम ए वाज प्लानिंग, ए ने दूसरी कंट्री में जाने के लिए प्लानिंग कर रखी थी एंड हैड ऑलरेडी बुक टिकट भी बुक करा ली थी। कैन कोर्ट टेक दिस फैक्ट इनटू कंसीडरेशन टू इशू अ वारंट फॉर द अरेस्ट ए आफ्टर इशुएंस ऑफ समन। इशू करने के बाद क्या वारंट जारी कर सकती है? राइट ऑप्शन है बी, द कोर्ट कैन नॉट टेक दिस फैक्ट इनटू कंसीडरेशन सिंस ए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज गारंटीड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एज ए फंडामेंटल राइट इज द राइट। अगला क्वेश्चन है 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमेंडमेंट जो प्लांट में और जो ऑप्शन डी है नेम ऑफ एडवोकेट पार्टी ये मैंडेटरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कन्विंसिंग इज द मोस्ट एक्यूरेट, में से कौन सा जो है मोस्ट एक्यूरेट है? तो इसका जो है ना राइट ऑप्शन है बी, ग्रंटिंग ऑफ एन इनकंबरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्विंसिंग। अगला क्वेश्चन है 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज द लीस्ट एक्यूरेट, इनमें से कौन सा लीस्ट एक्यूरेट? ऑल डीज मस्ट बी स्टेटेड अटेस्टेड अंडर लॉ, जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 47, ए स्टैट्यू डिक्लेयर दैट एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू कैरी ए गन और सिमिलर वेपन मस्ट कीप द सेफ्टी कैच ऑफ द गन ऑन एंड कीप द, ये कह रहा है सेफ्टी कैप जो है गन की वो ऑन रहनी चाहिए और होल्स्टर जो उसका जो कवर होता है उसके अंदर रहनी चाहिए हमेशा जब वो यूज में नहीं। ए कैरीड ए गन इन द पॉकेट्स ऑफ ट्राउजर, उसने अपने ट्राउजर की इलेक्शन में जो है ना सभी को चुनाव में जो है ना वोट देने का अधिकार है सभी सिटीजन को, और एक जो नॉन सिटीजन था वो इलेक्शन ऑफिसर ने रोक दिया, उसने वीसी टू चैलेंज सेक्शन को इलेक्शन ऑफिसर चैलेंज करना चाहता है एंड कंटेंस दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई नॉन सिटीजंस आर नॉट अलाउड टू वोट। ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नॉन सिटीजंस को वोट देने का अधिकार नहीं, सो शी वुड हैव बीन अलाउड टू वोट इन द इलेक्शन, इसलिए उसको वोट डालनी देनी चाहिए। एक चैलेंज फॉर्म होता है इलेक्शन, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है वो भर के ये चैलेंज करना चाहती है, विल ए सक्सीड, या वो सक्सीड होगी? तो ए विल नॉट सक्सीड, इसका राइट ऑप्शन है सी, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली प्रोवाइडेड सिटीजन से द राइट टू वोट, केवल जो इंडियन सिटीजन से उन्हीं को जो है ना वोट देने का अधिकार, और दिस मे बी इम्प्लाइड, इसका ये मतलब है, इसको इस तरह इसका ये मीन है, मतलब है कि नॉन सिटीजन डू नॉट हैव द राइट। अगला क्वेश्चन है 49, ए फाइल्स ए सूट अगेंस्ट बी, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा डाल दिया कुछ पैसे रिकवर करने के, अटलांटिक लेंड टू बी, जो कि बी ए ने बी को उधार दिया, और वो सूट जो है टाइम बार है टाइम दैट ए फाइल्स द सूट, बट बी हैड प्रॉमिस टू पे, लेकिन बी ने फिर भी प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको दे दूंगा किसी इवेंट में टाइम बार होते हुए। ए हाउएवर डज नॉट मेंशन बीज प्रॉमिस, उसने ए ने बी के प्रॉमिस को अपने प्लीडिंग में मेंशन नहीं किया। कैन ए टेक द प्ली द ट्रायल, क्या ट्रायल में वो ये प्ली ले सकती है? बी प्रॉमिस द पे द टाइम बार डेट, ये बताना, इसकी राइट ऑप्शन है बी, ए कैन नॉट टेक द In trial, since we promise the time bar debt is a material fact. A material fact है, इस parties का जो है ना interest effect हुआ, it should have been mentioned in the pleading. ये उसको pleading में mention करना चाहिए था। अगला question है 50, part 2 का ये last question है, part 1 को भी देख लेना। When is a fact said to be proved? इसी fact को said to be proved कब कहा जाए? Right option A है, a fact is said to be proved when prior to considering the matter. यानी इसके आने से पहले कोर्ट आइदर बिलीव, यानी कोर्ट में मुकदमा डलने से पहले कोर्ट जो है ना ये बिलीव करे कि ये पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा, और कंसीडर इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट, मतलब इस तरह ये एग्जिस्टेंस में माना जाए कि कोई भी प्रूडेंट मैन वोट अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ पर्टिकुलर जो है टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज, कोई भी प्रूडेंट मैन इसको ये मानने ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए राइट ऑप्शन ही ए। गाइस आज शानदार क्वेश्चन किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा सेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपका डाउट दूर करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे तीनों चैनलों को एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडूला मित्रा को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस से फायदा उठा सके। थैंक यू, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी पेशेंस के साथ।